ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी अपने चरम पर चढ़ रहा है। आज बिहार में विपक्ष की बड़ी बैठक होनी है, जिसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पूरे देश का दौरा कर रहे थे। पूरे देश भ्रमण के दौरान वो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ विभिन्न पार्टी के अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे थे। और आज वो दिन आ गया है जब विपक्ष के नेताओं की बैठक होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दो राज्यों में सरकार चला रहे हैं, पंजाब और दिल्ली में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिसको मोदी विरोध का बड़ा चेहरा माना जाता है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पटना पहुंच चुके हैं। कयास ये थी कि राहुल गांधी इस मीटिंग से दूरी बनाएंगे, लेकिन आज सुबह सुबह चार्टर्ड प्लेन से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी पटना पहुंच गए, उनका भी भव्य स्वागत हुआ। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, शिवसेना के उद्धव ठाकरे सहित कई बड़े नेताओं का जुटान पटना में हो गया है। आज ये बैठक होगी, एक साथ मंच पर कई बड़े चेहरे सामने होंगे। लेकिन इस बैठक के अंदर खाने से क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, बैठक में क्या होगा, क्या किसी फेस पर चर्चा होगी कि आखिर प्रधानमंत्री का आधिकारिक चेहरा कौन होगा, ये सारी बातें बैठक से निकल कर सामने आएंगी। लेकिन अंदर की जो खबर निकल कर आ रही है कि अंदर खाने जब विपक्षी नेताओं की बैठक होगी तो घमासान भी बहुत होगा। लोगों के मुद्दे अलग अलग हैं। अलग अलग राज्यों में ये पार्टियां कभी सरकार में हुआ करती थी, कई पार्टियां आज अलग अलग राज्यों में सरकार चला रही हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती ने दूरी बना ली है इस पूरी बैठक से। दो दो राज्यों में सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल, अपने जो उनके करीबी हैं भगवंत मान, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके साथ पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तैयारी पूरी कर रखी है। उनके साथ संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी, ये भी बैठक में पहुंचने वाले हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल के जो खासम खास लोग हैं, जो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द रहते हैं, हमेशा अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं उस पर हामी भरते हैं ये नेता, वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और इससे पहले जो खबर निकल कर सामने आई थी वो ये कि यदि कांग्रेस अध्यादेश पर विचार नहीं करेगी तो आम आदमी पार्टी इस पूरे बैठक का बहिष्कार भी कर सकती है। यानी कि इस बैठक को बीच में छोड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा जो शरद पवार हैं, एनसीपी के बड़े नेता माने जाते हैं, शरद पवार जिनका महाराष्ट्र की राजनीति सहित देश की राजनीति पर एक पैनी नजर रहती है, अच्छी पकड़ है, उनका ये कहना है कि विपक्ष की ये जो बैठक हो रही है, ये बैठक एक मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के बैठक है कि आखिर 2024 में नरेंद्र मोदी के चेहरे को विपक्ष कैसे हराए। इस बैठक में ना तो प्रधानमंत्री का कोई फेस डिक्लेयर होगा, ना ही कोई अन्य मुद्दों पर बात होगी। फोकस सीधा सीधा यही रहेगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को कैसे रोका जाए, नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगाने से कैसे रोका जाए। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की भी नज़र इस पूरे बैठक पर है। जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि अमित शाह का दिल्ली वाला जो ऑफिस है, नेशन विथ नमो है, इसके अलावा पीएम मोदी का जो अपना ऑफिशियल अकाउंट है जो कि वो टैकल करते हैं, उसकी जो टीम है उसकी नज़र इस बैठक पर है। कई वॉलेंटियर के साथ साथ कई रिसर्चर को भी पटना में लगा दिया गया है ताकि वो बैठक के अंदर की जो खबरें हैं वो भी सूत्रों के हवाले से लेकर आए, और बाहर क्या कुछ हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, जब राहुल गांधी कार्यक्रम में पहुंचेंगे, बैठक में पहुंचेंगे, उनका हाव भाव क्या रहता है, विपक्ष के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, इन सारे चीज़ों को अमित शाह का ऑफिस भी देख रहा है। आज हमारी बात हुई है जो नेशन विथ नमो के स्टेट कन्वेनर है पटना में, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली इस
बात को नहीं बोला, लेकिन एक गुड टर्न होने के नाते उन्होंने ये सारी बातें बताई कि किस तरीके से उनकी जो टीम है पटना में एक्टिव है। क्योंकि यदि हम राजधानी पटना की बात करें जहां पर ये बैठक होनी है, एक अने मार्ग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये सरकारी आवास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आज बिहार में जो गठबंधन है वो आरजेडी का गठबंधन उनके साथ चल रहा है, कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है। इसके अलावा बीजेपी के साथ हाल में ही नीतीश कुमार को छोड़कर पहुंचे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो नेता हैं संतोष मांझी, वो अब नीतीश कुमार को छोड़कर बीजेपी में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ हैं, मुकेश सहनी बीजेपी के साथ हैं, चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं, आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे, और मुख्यमंत्री आवास पर जब उनकी गाड़ी पहुंचती थी तो वहां पर मौजूद ओएसडी एक मिनट की भी देरी नहीं लगाता था, उनकी सीधी एंट्री मुख्यमंत्री के आवास में होती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब दाव खेल रही है कि आखिर बैठक से क्या कुछ फलाफल निकलकर सामने आता है। लेकिन अगर इस पूरे बैठक की बात करें तो तैयारियां पूरी कर ली गई है बैठक की, और बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब जो 2024 की लड़ाई है वो बिल्कुल करीब आ गई है। एक ओर जहां विपक्षी नेता आज महाजुटान कर रहे हैं, दो बार बैठक की तारीख को है फेल किया गया, कई नेता बिजी थे, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में 11 जून को रैली थी इस कारण भी वो बैठक में नहीं पहुंच पाए थे, पिछले बार भी बैठक का डेट कैंसिल किया गया। लेकिन आज जब 23 जून है, जब नीतीश कुमार के एक आह्वान पर विपक्ष के सभी नेता आज पटना पहुंच गए हैं, कल देर शाम से ही सबों का पटना जो पहुंचना था वो जारी था, उसके बाद कहीं ना कहीं आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आएगी उस पर सबकी नजर रहेगी, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट ऑफिस है, जो केंद्रीय कार्यालय है, उसकी भी कहीं ना कहीं जो पैनी नजर है वो इस विपक्षी मीटिंग पर बनी हुई है। हम भी लगातार इस मीटिंग पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, जो भी सूचनाएं निकल कर आ रही है सबसे पहले हम आपको इससे रूबरू कराएंगे। फिलहाल इस मीटिंग में क्या होता है ये देखना अभी शेष है, मीटिंग में कब क्या होता है वो भी अपडेट्स हम लेकर के आपके सामने आएंगे। आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।